हेलो एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुड़ की खीर बनाऊंगी। गुड़ की ये खीर बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिहार, बंगाल, राजस्थान में बहुत ही फेमस है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ की खीर बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये मैंने एक कप दूध लिया है और एक कप मैंने ये गुड़ लिया है, आधा कप मैंने ये बासमती राइस लिया है जिसको मैंने एक दो घंटे के लिए भिगा के रख लिया था। इसके जगह आप कोई भी राइस ले सकते हो। और ये सूखा नारियल है एक बड़ा चम्मच जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और एक छोटे चम्मच मैंने इलायची का पाउडर लिया है। और ये मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पतीले में पानी ले लेंगे। मैंने दो गिलास पानी ले लिया है और उसमें मैंने ये गुड़ को डाल दिया है और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे जिससे ये गुड़ अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगा। तो अब ये गुड़ अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैं इसको छन्नी से छान लेती हूँ कि अगर कोई गंदगी होगी तो वो निकल आएगी। तो अभी मैंने पानी को छन्नी में छान लिया है। अब वापस उसी पतीले में इस पानी को डाल देंगे। तो अभी मैं इस गुड़ वाले पानी में इस चावल को डाल देती हूँ। चावल को इसमें डाल के और पका लेंगे अच्छी तरह से इसमें। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस पे धीरे धीरे इसको पकाएंगे। और अगर पानी कम हो जाए तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हो। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसको ढक ढक के ऐसे पका रही हूँ। ये चावल ऐसा हो गया है, थोड़ा सा अभी और पकेगा। देखिए मैंने इसको दबा के देख लिया है, ये चावल अच्छी तरह से ये पक गया है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। ये जो मैंने काजू और बादाम रखा था वो भी डाल देंगे और ये नारियल भी डाल देंगे और इलायची पाउडर। ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा और पका लेंगे एक दो मिनट। तो अभी ये खीर बन गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसमें दूध मिलाएंगे, नहीं तो ये खीर फट सकती है। तो अभी मैंने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसमें दूध मिला देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा करके दूध मिलाएंगे। तो अभी मैंने धीरे धीरे करके सारे दूध को डाल दिया है। अब इसको 5-10 मिनट पका लेंगे और इसको लगा देंगे। तो अब इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए पका लिया था। अब ये खीर गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको अब सर्व कर लेंगे। तो अब सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें ऐसे निकाल लेंगे खीर को। तो देखिए ये गुड़ की खीर बनके तैयार है। मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप इसे ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है गुड़ की खीर। आप कभी मेरी ये रेसिपी ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।